मैं अकेले बैठ के टीवी देखना चाहता था, लेकिन मेरी मम्मी इधर आके बैठ गई और फिर ये हुआ। तो अभी रिसेंटली मेरे घर में नया स्मार्ट टीवी आया, यानी अब मैं अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करके जो भी चीजें मोबाइल की छोटी स्क्रीन पे देखता था वो अब मैं टीवी की बड़ी स्क्रीन पे देख सकता हूँ। लेकिन मेरे मम्मी पापा स्मार्ट टीवी को भी वही पुराने डम तरीके से यूज कर रहे हैं, उस पे क्राइम पेट्रोल देख के। मतलब इन लोगों को क्राइम पेट्रोल का सुरूर चढ़ा हुआ है। मैं सुबह से शाम कॉलेज रहता हूँ और फिर जब रात को मुझको टाइम मिलता है कि अब मैं स्मार्ट टीवी का सही यूज कर सकता हूँ, तब ये लोग मुझको क्राइम पेट्रोल देखते हुए मिलते हैं, और ये हर दिन होता है। और यार मैं अपने मम्मी पापा से ये भी नहीं बोल सकता मुझको अकेले बैठ के टीवी देखना है, जाइए अपना कुछ काम करिए, क्योंकि मैं उनके घर में रहता हूँ। और मैं पापा से जब भी ये बोलता हूँ, पापा मेरे रूम में भी स्मार्ट टीवी लगवा दीजिए, तो पापा हमेशा सेम रिप्लाई देते हैं, तुम्हारा रूम कहाँ है? मेरा तो रूम भी नहीं है। अब बहुत हुआ, अब मुझे किसी भी हालत में देखना है जो मैं चाहता हूँ। और एक दिन मुझे मौका मिला, जब मुझे ये पता चला कि मम्मा को अगले दिन उनके फ्रेंड्स के जाना है, तो मैंने प्लान बनाया कि देखो मम्मा उनके फ्रेंड्स के चली जाएंगी, पापा ऑफिस चले जाएंगे और मैं अपने कॉलेज की छुट्टी कर लूँगा। और फिर फिर अगले दिन मम्मा उनके फ्रेंड्स के गई, पापा ऑफिस, और मैंने अपनी महफिल जमा ली। मैंने मोबाइल कनेक्ट करा टीवी से और लगा ली वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स। मुझे ये वेब सीरीज अकेले देखनी थी क्योंकि इसमें लोग कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे इनके बेटे की अभी थोड़ी देर पहले ही डेथ हुई थी और उसकी डेड बॉडी यहीं पर ही रखी हुई है। अब मैं बिना किसी डिस्टरबेंस के बड़े आराम से गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा हूँ। हसन, कौन है? कौन है? कौन है? मम्मी? मम्मी आ गई, और इनफैक्ट वो आई भी नहीं, वो प्रकट हुई है। और ऐसे मामलों में तो उनका सिक्स्थ सेंस काम करने लग जाता है। अरे मम्मी बड़ी जल्दी आ गई, अभी तो गई थी आप। हाँ वो मेरा काम नहीं हुआ। वैसे क्या देख रहे थे तुम? कुछ नहीं, वेब सीरीज देख रहा था। वेब सीरीज? अरे बहुत पुराने जमाने का क्राइम पेट्रोल। अच्छा, फिर तो मैं भी देखूंगी। अरे नहीं नहीं मम्मा, आपको क्या देखने की जरूरत? क्यों, तुम देख ही रहे हो, तुम्हारे साथ मैं भी देख लेती हूँ। अरे क्यों? अरे मम्मी अब मेरा मन नहीं चाह रहा देखने का, मैं जा रहा हूँ। बैठ जाओ। अब हम दोनों गेम ऑफ थ्रोन्स साथ में देख रहे हैं, पर लकीली काफी टाइम तक कुछ गलत चीज नहीं आई और मम्मा भी बोर होने लग गई। लेकिन फिर ये कैसी कैसी चीजें देखते रहते हो तुम घर पे अकेले बैठ के? अरे मम्मी मुझे क्या पता ऐसा सीन आ जाएगा, पहली बार ही आया है ये। अच्छा, इससे पहले कोई ऐसा सीन नहीं आया? हाँ हाँ पक्का नहीं आया, गॉड प्रॉमिस। अच्छा पैक करो वीडियो। हैं? बैक? मुझे बैक करना नहीं आता। अच्छा रुको, तुम्हारे पापा को बताती हूँ, वही सिखाएंगे तुम्हें। नहीं नहीं मम्मा पापा को मत बताइएगा प्लीज, मम्मा पापा को मत बताइएगा। क्या मत बताइएगा? पापा भी आ गए, और मुझे रियलाइज हो गया कि आज तो मैं तबीयत से कुटने वाला हूँ। मम्मी ने पापा को सब बता दिया और मैं बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इधर से मारा तो ये वाला हाथ ले आएंगे और इधर से ये वाला, और गाल पे नहीं पड़ने देना क्योंकि वहां पे ज्यादा लग जाती है। और ये लोग अभी भी बात ही कर रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी कि बहुत देर से ये लोग लगातार बात ही करे जा रहे हैं। मुझे एकदम से एक चीज रियलाइज हुई, कहीं ये लोग मेरा मर्डर करने का प्लान तो नहीं बना रहे? ये दोनों पति पत्नी हर वक्त क्राइम पेट्रोल देखते रहते हैं, ये लोग तो मुझको मार के बच भी जाएंगे। इतनी चूतिया सी चीज के लिए मैं तो नहीं मरने वाला, तो मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए अपना गुम्मा बना लिया। फिर पापा ने मुझे बुलाया और मैंने उनसे बोला, लड़े बिना तो मैं भी नहीं मरने वाला। I demand a trial by combat. पापा ने एक झापट दिया। उस दिन पापा ने मुझे बहुत कूटा, वैसे छोटी स्क्रीन पे भी मेरा काम चल ही रहा था, लेकिन नहीं, सबको बड़ी चीजें चाहिए, बड़ा ये बड़ा वो भैंस।
जब कोई ऐसा बड़ा कांड हो जाता है पापा तभी कूटते हैं मुझे। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने मुझे जब कूटा था जब मैंने अपने क्लास की एक लड़की को पेल दिया था। What? अब मुझे जज करने से पहले ये जान लो कि मैंने ऐसा क्यों करा था।